क्या होगा अगर एमसीयू के मैजिशियन डॉक्टर स्ट्रेंज और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा, और इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है, एमसीयू का मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स डॉक्टर स्ट्रेंज या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान और डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। इसलिए ये जानने के लिए इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के पावर्स की। बात करें शक्तिमान की, तो शक्ति 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। पर सदियां बीती और तीन युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीबल बना देती है, क्योंकि अगर संभव कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डॉक्टर स्ट्रेंज कितना पावरफुल है। तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है जो कि अपने आसपास की एनर्जी का यूज करता है स्पेल्स को कास्ट करने के लिए और वो इन स्पेल्स का यूज बोथ अटैक एंड डिफेंस पर्पसेस के लिए कर सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपने इन्हीं स्पेल्स का यूज करके थानोस और डोरमामू जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ भी फाइट कर चुका है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज उड़ सकता है और अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन कर सकता है। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन भी है जिससे वो फ्यूचर की सभी पॉसिबिलिटीज को देख सकते हैं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं और टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है पर वो पहले भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही था और अब भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है और साथ ही उसे अपने स्पेल्स को कास्ट करने के लिए अपने हाथों को मूव करना पड़ता है जो कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और सिंस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है इसलिए अगर कोई भी उसके हाथों को सिंपल रस्सियों से भी बांध दे जिससे वो अपने हाथों को मूव ना कर पाए तो वो सिंपल सी रस्सियों से भी नहीं छूट पाएगा। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज के ओपोनेंट के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसके ओपोनेंट का एक डायरेक्ट हिट सही से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल हिट डॉक्टर स्ट्रेंज की जान ले सकता है। पर इन सब चीजों के बावजूद डॉक्टर स्ट्रेंज ने हर एक पॉइंट पे खुद को प्रूव किया है, चाहे इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स को रोकना हो, डोरमामू से डील करनी हो या थानोस से फाइट करनी हो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी भी किसी को भी निराश नहीं किया। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज किसी को भी मिरर वर्ल्ड में डाल सकता है जहां पर होने वाली किसी भी चीज का रियल वर्ल्ड पर कोई भी असर नहीं होता और यहां पर हर एक चीज डॉक्टर स्ट्रेंज के कंट्रोल में होती है। और अगर तुम्हें वांडा की तरह मैजिक या रियलिटी मैनिपुलेशन नहीं आता तो तुम कभी भी मिरर वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल सकते। साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज किसी भी इवेंट की हर एक पॉसिबिलिटीज को देख के बेस्ट रास्ता चुन सकते हैं जैसा उन्होंने इन्फिनिटी वॉर में चुना था ताकि वो अपनी विन को कंफर्म कर सके। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज को हरा पाए हैं। तो ये थी डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स और डॉक्टर स्ट्रेंज और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है जो कि थानोस और डोरमामू जैसे सुपर पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ ही फाइट कर चुका है, पर पावर्स के मामले में
शक्तिमान डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और डॉक्टर स्ट्रेंज कभी भी शक्तिमान की पावर्स को मैच नहीं कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर कहीं भी पोर्टल ओपन करके एक ही सेकंड में वहां पहुंच सकता है, पर शक्तिमान डायमेंशन के बीच में ट्रैवल कर सकता है और लाइट की स्पीड से भी मूव कर सकता है, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को पोर्टल के अंदर जाने से पहले ही रोक कर उसे बाहर फेंक सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल स्पेल से शक्तिमान पर अटैक करेगा, पर डॉक्टर स्ट्रेंज के किसी भी अटैक का शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। पर चलो मान लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिकल स्पेल से अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके एक सुपर पावरफुल अटैक करता है, जिससे शक्तिमान की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि फाइव लाइफ एलिमेंट्स फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे, और जब तक फाइव लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है, शक्तिमान को मार पाना इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज पावरफुल तो बहुत है, पर फिर भी वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और शक्तिमान के एक नॉर्मल पंच तक को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सिंस शक्तिमान लाइट की स्पीड से मूव कर सकता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास कोई भी सुपर रिफ्लेक्सेस नहीं है, इसलिए ना ही वो शक्तिमान के अटैक को डॉज कर सकता है, ना ही उसे बच सकता है और ना ही उसे सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसे स्पेस में छोड़ सकता है, जहां पर वो ठंड से मर जाएगा, समुद्र के बीच में छोड़ सकता है जहां पर वो डूब जाएगा, या रेल की पटरी पर भी रख सकता है। और शक्तिमान के पास ऐसे ही हजारों तरीके होंगे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए, पर शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, इसलिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज को समझाने या सिर्फ हराने की कोशिश करेगा, या सिंपली डॉक्टर स्ट्रेंज को एक वर्थी ओपोनेंट या खतरा तक कंसीडर ना करके उसे एक पंच मार के नॉकआउट करके वहां से चला जाएगा। और इस तरह से इन दी एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ना ही शक्तिमान को मार सकता है और ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान डॉक्टर स्ट्रेंज को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।